हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। और आज की वीडियो में मैं कवर करने जा रहा हूँ कि कौन सी एज में आप वर्कआउट शुरू कर सकते हैं, कौन से एज में आपको जिम स्टार्ट करना चाहिए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। अक्सर हमारे इंडिया के अंदर मिथ्स हैं, वहम हैं, पेरेंट्स अपने बच्चों को जिम नहीं भेजते कि अभी आप जिम ना जाएं, 18 साल के बाद ही जिम ज्वाइन करें, आपकी ग्रोथ रुक जाएगी वगैरह वगैरह। तो आज मैं इस मिथ को क्लियर करना चाहूँगा, एक प्रॉपर डिटेल इन्फॉर्मेशन दूंगा जिससे आपको और आपके पेरेंट्स को सब समझ आ जाएगा और आप वर्कआउट स्टार्ट कर सकते हैं। इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देखना गाइस, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप ये सब फालतू के मिथ्स के चक्कर में अपनी जो प्राइम एज है ग्रोथ की, जिम ज्वाइन करने की, आप ये अच्छी फिजिक मेंटेन कर सकते हैं उस टाइम में, आप उसको वेस्ट मत करना। क्योंकि दोस्तों ये मेरे साथ भी हो चुका है। मैंने जब जिम स्टार्ट किया था तब मेरी उम्र 16 साल थी, मैं काफ़ी फैटी था और फिट होने के ख्याल से जिम ज्वाइन किया था, लेकिन तब मुझे इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं थी, ना ही मुझे कोई गाइड करने वाला था। तो 2-3 दिन वर्कआउट किया और चौथे ही दिन वहाँ के 2-3 अंकल्स ने मुझसे कह दिया कि तुम गलत कर रहे हो, अभी तुम्हारी एज क्या है। मैंने कहा 16। तो वो कहने लगे 18 साल से पहले जिम करना गलत है, आपकी हाइट रुक जाएगी, ग्रोथ रुक जाएगी, आप तो फिट हो, अभी तो खाने पीने की उम्र है। और दोस्तों तब मेरी हाइट थी भी कम, तो ये बात मेरे दिमाग में बैठ गई और मैंने जिम छोड़ दिया। लेकिन अब इस एज में आके 23 का हूँ मैं, मुझे रियलाइज़ होता है कि मैंने कितनी बड़ी गलती की। जो मेरी प्राइम एज थी, प्राइम टाइम था फिट होने का, एक अच्छी फिजिक मेंटेन करने का, वो वेस्ट हो गया। क्योंकि दोस्तों 15 से 18 साल की उम्र जो है ना, हमारे दिमाग में उस टाइम कोई वर्कलोड नहीं होता, ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, आप इजीली अपने गोल्स, अपनी फिजिक मेंटेन कर सकते हैं। और फिर यही वो एज है गाइस जिसमें बहुत सारे लड़के गलत संगत को अपना लेते हैं, स्मोकिंग ड्रिंकिंग शुरू कर देते हैं। अब वही है ना, जिस एज में हमें अपनी हेल्थ पर ध्यान देना चाहिए, हमें अपने गोल्स पर ध्यान देना चाहिए, उस एज को हम फालतू के कामों में वेस्ट कर लेते हैं और फिर वो स्टडीज कंप्लीट करने के बाद जिम के बारे में सोचते हैं। मैंने भी 20 की एज में जिम ज्वाइन किया, जिस एज में ये लोग एक अच्छी फिजिक बना लेते हैं उस एज में ज्वाइन किया। और इस एज में वर्कलोड्स, करियर टेंशन, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, रिलेशनशिप्स, आपको सबके बारे में सोचना पड़ेगा और बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा अगर आपको एक अच्छी फिजिक बनानी है। दोस्तों प्लीज़ आप ऐसी गलती मत करना, आपने जो प्राइम एज है एक अच्छी फिजिक बनाने की, उसको वेस्ट मत करना फालतू के मिथ्स को लेकर। लोग आपसे कहेंगे आपकी हाइट रुक जाएगी, आप 18 साल से पहले जिम ना जाएं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है गाइस। हाइट आपके जेनेटिक्स पर डिपेंड करती है, अगर आपके पेरेंट्स की हाइट कम है तो आपकी हाइट भी उनके आसपास ही होगी, अगर आपके पेरेंट्स की हाइट ज़्यादा है तो आपकी हाइट भी इंक्रीज ज़रूर होगी। ये सब जिम पर डिपेंड नहीं है दोस्तों। हम जिम में करते क्या हैं, हम जिम ज्वाइन करते हैं तो हम फिजिकल एक्टिविटीज़ करते हैं, स्ट्रेचिंग करते हैं, पुलअप्स, पुशअप्स, रनिंग, साइकिलिंग, बाइसेप, ट्राइसेप, चेस्ट की एक्सरसाइजेस। दोस्तों ऐसी फिजिकल एक्टिविटीज़ हम बचपन से करते आ रहे हैं जिसकी वजह से हमारी ग्रोथ जल्दी जल्दी होती है। बचपन में तो सब लोग यही कहते हैं कि फिजिकल एक्टिविटी करो, बच्चों को खेलने दो, भागने दो, जल्दी ग्रोथ होगी, जिससे तो फिर ऐसी ही एक्टिविटी हम जिम में करते हैं जिससे हमारी बोन्स स्ट्रांग होती हैं, हमारी स्ट्रेंथ बढ़ती है, हमारी मसल टिश्यू स्ट्रांग होती है। दोस्तों 15 से 18 साल की एज बेस्ट है अपनी फिजिक मेंटेन करने के लिए, अपनी हेल्थ एंड फिटनेस के बारे में सोचने के लिए। बस आपको जिम ज्वाइन करते टाइम कुछ बातें ध्यान रखनी है कि आप जब जिम ज्वाइन करें तो 1-2 मंथ आप किसी की गाइडेंस में या पर्सनल ट्रेनिंग के अंदर ही वर्कआउट करें, अपनी फॉर्म पर ध्यान दें, वेट्स पर नहीं। अपनी बॉडी पार्ट्स की अच्छे से स्ट्रेचिंग करें वर्कआउट से पहले भी और वर्कआउट के बाद भी, और कुछ एक्सरसाइजेस को अवॉइड करें जैसे शोल्डर ओवरहेड प्रेसेस, बारबल शोल्डर प्रेसेस, डेडलिफ्ट्स, वेट स्क्वाट्स। आप बॉडी वेट एक्सरसाइज पर फोकस करें जैसे पुलअप, पुशअप्स, बॉडी वेट स्क्वाट्स, बाइसेप, ट्राइसेप, चेस्ट एक्सरसाइजेस। इससे हाइट का कोई लेना देना नहीं है। धीरे धीरे आप पहले अपनी बॉडी को यूज टू होने दें, किसी और को देखकर ईगो लिफ्टिंग ना करें क्योंकि अभी आप बिगिनर हो, और स्टेप बाय स्टेप आप भी उस लेवल पर पहुंच जाओगे। बी पेशेंट एंड स्टे रेगुलर, ट्रस्ट द प्रोसेस, योर टाइम इज कमिंग। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो नीचे लाइक करो, कॉमेंट में मुझे बताओ, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करो, और थैंक यू फॉर वॉचिंग।